भारत माता की जय। कैसे हैं आप लोग, मैं हरंजी परमर आपका स्वागत करता हूं हमारे बुंदेलखंड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हमारे पास क्या है कि कमेंट तो आते रहते हैं, लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा ये सब चीज़ें, और उसमें कुछ कमेंट भी आ रहे थे, लेकिन जनरली मुझे भी लगता है कि बताना चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को एक्चुअली क्या है, खाने का पता नहीं है कि हमको, आपको डाइट पता रहता है कि हमको ये खाना है, लेकिन उसको कैसे खाना है वो आपको नहीं पता। जैसे कि कई लोग बोलते हैं चने बहुत अच्छे होते हैं, मैं भी बोलता हूँ चने बहुत अच्छे होते हैं एक धावक के लिए, एक दौड़ने मारने के लिए, एक वर्कआउट के लिए चने खाना चाहिए। उससे क्या है कि हमारी जो भी कैलोरी खर्च होती है वो रिकवरी हो जाती है, उससे हमें जो हमारी कैलोरी खर्च हुई है वो वापस हमको मिल जाती है। लेकिन चने खाने का सही तरीका किसी को नहीं पता, क्योंकि चने अगर आप बॉयल करके खाओगे तो ज़्यादा खप जाएंगे, और आप गला के खाओगे पानी में तो कम खपेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, अगर जब भी हम चने खाते हैं, आप चने 300-400 ग्राम भी खा सकते हो बॉयल करके, और बिना बॉयल करके आप नहीं खा सकते। कई लोगों को पैचेस हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, और पेट ख़राब भी हो सकता है। तो मैं आपको यही बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपको अगर आपकी डाइट प्रॉपर मेंटेन करना है, चने अच्छे से खाना है, तो कैसे खाना है। अच्छा, मैं इससे पूछूंगा, हमारा जो एकेडमी का डाइट प्लान है, तो ये हमारा बंदा बताएगा कि ये इसका डाइट प्लान क्या है। इससे क्या आप लोगों को पता चलेगा कि बुंदेलखंड एकेडमी का जो डाइट प्लान क्या है, और ये लोग क्या खाते हैं, और ये हर दौड़ में एक्सीडेंट कैसे आते हैं, ये बताएंगे आपको। तो सर, मैं रात में चने भिगोने के लिए डाल देता हूँ, उसके साथ बादाम भी, कुछ एक मुट्ठी बादाम और छुआरे वगैरह डालता हूँ सर, और सोयाबीन के दाने भी कुछ डाल देता हूँ भिगोने के लिए, और सुबह रनिंग करके जाता हूँ, वैसे ही भिगे हुए चने और जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो लेता हूँ। उसके बाद मैं फिर दूध लेता हूँ सर, आधा लीटर, और केले भी खाता हूँ सर, और जो भी डाइट प्लान है जिससे ऊर्जा मिले हमारे शरीर को, एक धावक के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज़रूरी होता है, जब दौड़ के आता है वो रनिंग करके, तो कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। अच्छा, जो मैं चनों से मिलती है। ओके ओके, आप एकेडमी में किस लिए आ रहे हो, किसी तैयारी कर रहे हो? जी सर, मैं SSC GD की तैयारी कर रहा हूँ, मेरी 2 तारीख में रनिंग है, और आपके आशीर्वाद से अच्छी रनिंग चल रही है, अच्छा टाइम निकल रहा है, और आपका आशीर्वाद रहेगा तो सिलेक्ट होकर ज़रूर आऊँगा मैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो बुंदेलखंड एकेडमी है मध्य प्रदेश में, एक पहली ऐसी एकेडमी है जिसकी वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर हो रहे हैं और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। हमारा एक वीडियो था, 3 दिन के अंदर 25,000 लोगों ने देखा, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो भी है सब कुछ देसी है। यहाँ मॉडर्न, या मैं वही बोल रहा हूँ कि जो जितनी भी यूट्यूबर हैं सब यूँ करने वाले हैं, जो इंग्लिश वाले, हम उनसे दूर रहते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप मेडिसिन लो, किसी की अफवाह में आओ, किसी पैकिंग की चीज़ें खाओ, डिब्बे की चीज़ें खाओ, जिससे आप बीमार पड़ जाओ, और आप नेचुरली यानी कि प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, पौष्टिक जो चीज़ें, उनसे आप दूर हो जाओ। तो आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम दीपेंद्र कुमार है जी। इन दीपेंद्र कुमार ने जो बताया, जो बुंदेलखंड एकेडमी का डाइट प्लान बताया, एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि हमने वही डाइट प्लान बनाया है जो यहाँ पे लोकल में बच्चे हैं, जो इनके घर पे जो चीज़ें मिलती हैं उससे प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर कैसे डालें, तो वही इन्होंने बताया है। इन्होंने ये बताया है कि आपका जो डाइट प्लान है होना चाहिए, और इनका जो डाइट प्लान है वो जैसे कि चने हो गए, सोयाबीन हो गए, और बादाम होगा, इनको ये क्या एक्चुअली रात को गलाते हैं और सुबह के टाइम इनको खाते हैं घर जाकर। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या ये आ रही थी, कई लोग ये बोल रहे थे कि सर चने हम नहीं खा पाते, चने हम बिल्कुल भी नहीं खा पाते, हम 50 ग्राम भी चने नहीं खा पाते, अगर खाते हैं तो वहाँ पेट ख़राब हो जाता है या हमको दस्त लगने लगते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बताऊँगा कि इन जो बंदों का डाइट प्लान है और हमारा जो डाइट प्लान है, तो चने को आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे खा सकते हैं, कुछ नहीं है, रात को आप गला दीजिए 300-400 ग्राम चने, और सुबह उनको बॉयल करके आप बढ़िया से सलाद बनाकर उसका खा सकते हैं, कितना भी खा सकते हैं। और खाने का भी तरीका होता है कि अगर 300-250 ग्राम चने आप नहीं खा पा रहे हो, तो उसको दो तीन टाइम में उसको बांट दीजिए, सुबह खा लीजिए, साथ में रखिए, 12 बजे खाइए, 4 बजे खाइए, तो ऐसे आप चने ज़्यादा खा सकते हो। ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो कच्ची रहती है उसको हम ज़्यादा नहीं खा सकते, लेकिन बॉयल करके उसमें टेस्ट भी आ जाता है, हम ज़्यादा खा सकते हैं। अच्छा दीपेंद्र, अब तुम्हारा कितने डाइट को फिजिकल है? सर मेरा 2 तारीख में है, 2 सितंबर को लखनऊ में फिजिकल है सर जी। तो मैं रनिंग की पूरी प्रिपेयरिंग कर रहा हूँ। अच्छा, अभी आप यहाँ ग्राउंड में कितने मिनट में दौड़कर कंप्लीट कर पा रहे हो? सर यहाँ मेरी 21-22 मिनट में लगभग आ जाती है सर। इनकी 21-22 में आ रही है, लेकिन एक्चुअली आप देखते होंगे हमेशा, कभी भी आप खुद एक्सपीरियंस करना कि जब भी आप उस ग्राउंड में जाते हो, तो वहाँ पे ग्राउंड में एक्चुअली साफ़ सफाई रहती है, बढ़िया से वहाँ पे ट्रैक बने होते हैं, तो आप कम से कम अगर यहाँ पे 22 मिनट में कर रहा हो, तो वहाँ 20 मिनट में आप 100% कर लोगे। बस आपको अपनी गति कम नहीं करना है, जो आपने प्रैक्टिस किया उसको फॉलो करना है। अच्छा, और तू इधर अपना बता डाइट प्लान। ये मैं एक्चुअली बता देता हूँ, ये संजू हरबार,
हमारी एकेडमी का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है और एक अभी एक नंबर पे है दौड़ने के मामले में। और मैं चाहता हूँ कि जितनी एकेडमी वाले हमारे इस बंदे को चैलेंज करें, हम इसको अच्छे से मेहनत कराएंगे और आपके साथ कॉम्पीट कराएंगे। अच्छा संजू, अपना बताओ डाइट प्लान। सर मैं चने खाता हूँ बॉयल करके जी, और सोयाबीन भी लेता हूँ सर। अच्छा कुछ अंडे वंडे ऐसा कुछ? हाँ सर, मैं 3 अंडे लेता हूँ शाम के टाइम, और शाम के भी आधा लीटर दूध लेता हूँ, सवेरे भी आधा लीटर दूध लेता हूँ सर। ठीक, क्या है कई लोग पूछते हैं कि सर हम चिकन मटन नहीं खाते, हम शाकाहारी हैं, तो मैं बता देता हूँ ये बंदा अभी चिकन मटन इसको अगर खाएगा भी तब भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग इतना प्रिपेयर नहीं है, इतने संपन्न नहीं है कि अच्छी से अच्छी डाइट ले सकें। लेकिन ये घर में जो है उसी से लोग प्रोटीन लेते हैं, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ जो एकदम शाकाहारी है, ऐसा नहीं है कि शाकाहारी अच्छी प्रोटीन ले सकते, अच्छे धावक नहीं बन सकते, वो भी बन सकते हैं। बस हमारा जो अभी लड़का बता रहा था उस डाइट को, डाइट प्लान को आप फॉलो करें, और हम अपने वीडियो के ऊपर अपना डाइट प्लान एक बार फिर से लगा देंगे, आप उसको पढ़ लेना। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो चीज़ नहीं खाना है उसको सबसे पहले नोट करना है, कि जो आपको नहीं खाना है, बकाया नहीं खाना, उसको छोड़ के आप कुछ भी खा सकते हो, आपको नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि आपकी जो एज है वो एज में आप कितना भी फैटी चीज़ खाओगे तब भी आप पचा लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा वीडियो आज चने को लेकर था, कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे प्रॉब्लम लोग बता रहे थे कि सर चने ज़्यादा नहीं खा पाते, तो चने आप खा सकते हो बॉयल करके, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, लड़कों का एक्सपीरियंस है वो आपके शेयर कर चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी कोई समस्या है तो हमारे यूट्यूब पर आप लिखिए, हम उसको आप यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे उस चीज़ से। भारत माता की जय। भारत माता की जय।